Hello dear students, this is Devinder Kaur and welcome to my YouTube channel The Enlightened Room. In this video, we are going to talk about the back exercise and question answer of class 8, chapter 11, force and pressure. So let's start with the first question. In the first question, they have asked, give two examples each of the situations in which you push or pull to change the state of motion of an object. यानी कि हमें कोई दो एग्जांपल्स ऐसे देनी है उन सिचुएशंस की जिनमें हम किसी चीज को किसी ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन. ठीक है, तो सबसे पहले हम पुश की बात करते हैं. इन द पुश वी विल टॉक अबाउट पुशिंग अ बॉक्स टू मूव इट. आपके सामने कोई बॉक्स रखा है, उसे आप धक्का लगा रहे हो. सबसे पहले पुश का मतलब क्या होता है? धक्का लगाना. ठीक है, तो आप किसी बॉक्स को पुश कर रहे हो, किसी बॉक्स को धक्का लगा रहे हो उसे मूव करने के लिए. फर्स्ट एग्जांपल. सेकंड एग्जांपल ये ले सकते हो, पुशिंग ए ड्रॉअर टू क्लोज इट. आप क्या है, कोई ड्रॉअर है आपके घर में, उसे आप धक्का लगा रहे हो उसे बंद करने के लिए. ठीक है, अगर उसे खोलना हो तो क्या करोगे? यू विल पुल. राइट, यू विल पुल. लेकिन हम इसमें अभी पुश की बात कर रहे हैं. वेट टू क्लोज अ ड्रॉअर वी विल पुश इट. ठीक है, तो ये सेकंड एग्जांपल होगी. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट पुल. पुल का क्या मतलब होता है? खींचना. अपनी तरफ खींचना. तो पुल में हम बात करेंगे पुलिंग अ वाटर बकेट फ्रॉम द वेल टू गेट द वाटर बकेट अप. इसकी हमने एग्जांपल भी की थी जब जो इस वीडियो का पहला पार्ट है उसमें क्या किया था. एक वेल है, इस तरह से कुआं है. राइट, ठीक है, यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट ऐसे लगा होता है, कोई डिवाइस लगा होता है और इस तरह से कि बकेट अंदर जाती है, ये इस तरह से इसके साथ कनेक्टेड होती है. माय ड्राइंग इज नॉट सो गुड, यू नो वेरी वेल. ठीक है, तो इस तरह से जब हम ऐसे ऊपर की तरफ खींचते हैं तो जो वाटर बकेट है वो ऊपर आती है. राइट, तो इस तरह से इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होते हैं, यानी कि हम उसे पुल करते हो ताकि जो वाटर बकेट है वेल में से बाहर आ जाए और हम वाटर ले सके. ठीक है, नेक्स्ट इसकी एग्जांपल ले लोगे आप, होर्स पुलिंग ए कार्ट टू मूव इट. घोड़ा है, घोड़ा गाड़ी है, घोड़ा जो है उस कार्ट, घोड़ा गाड़ी जो है, जो गाड़ी है जो जिसमें लोग बैठते हैं वो घोड़े के साथ हमने विद डिवाइस उसके साथ कनेक्ट की हुई है. ठीक है, उसके साथ जोड़ी हुई है. तो घोड़ा क्या है, उसको अपनी तरफ खींचता है. जिस तरफ घोड़ा मूव करेगा पीछे पीछे गाड़ी जाएगी, घोड़ा गाड़ी में. ठीक है, तो घोड़ा क्या करता है, उसको खींचता है. अ होर्स पुलिंग ए कार्ट, होर्स क्या पुल करता है, कार्ट को खींचता है ताकि वो कार्ट मूव करे. ठीक है, तो इस तरह से आपका हो गया फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ वी टॉक अबाउट सेकेंड क्वेश्चन. इन द सेकेंड क्वेश्चन गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ सिचुएशन इन विच अप्लाइड फोर्स कॉज अ चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. सबसे पहले बात करते हैं अप्लाइड फोर्स क्या होती है. अप्लाइड फोर्स कोई ऑब्जेक्ट है इस तरह से, ठीक है, आपने इस डायरेक्शन में उसको फोर्स अप्लाई, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई की सो दैट जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करे. ठीक है, तो ये जो फोर्स आपने इस तरह से इस डायरेक्शन में अप्लाई की ये एक एक्सटर्नल फोर्स है. ठीक है, आप खुद अप्लाई कर रहे हो ऑब्जेक्ट के अंदर से, तो कोई फोर्स निकल के आ नहीं रही जो अपने आप मूव कर रहे हैं, आप बाहर से ये फोर्स अप्लाई कर रहे हो. दिस फोर्स इज नोन एज अप्लाइड फोर्स. राइट, तो क्वेश्चन में हम क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन की बात करते हैं. गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ सिचुएशन इन विच अप्लाइड फोर्स कॉजेज ए चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. हमें कोई दो एग्जाम्पल्स ऐसी बतानी है जिसमें जो अप्लाइड फोर्स है, यानी कि जो एक्सटर्नल फोर्स हम लगा रहे हैं उससे क्या है ऑब्जेक्ट की शेप में चेंज आ रही है. इसके हम एग्जाम्पल्स हमने की थी प्रीवियस वीडियो में, उसमें हमने कहा था व्हेन वी प्रेस द क्ले इट्स शेप चेंजेस. क्ले है आपके पास, मान लीजिए एक आपके पास एक कटोरी है, इसमें क्ले पड़ी है इस तरह से. ठीक है, तो जब आप इसके ऊपर इस तरह से फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसकी जो शेप है वो चेंज होगी. राइट, जैसे आपकी मदर आटा गूंथती है उसमें भी शेप चेंज होती है, तो इसमें मैंने क्ले ले लिया. ठीक है, इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल वी हैव व्हेन वी स्ट्रेच द रबर बैंड इट्स शेप इज चेंज्ड.
की थी, एक कील है, कहां पर बनाओ, ये रहा, एक आपके पास दीवार है, यहाँ पर एक कील है, ठीक है, इसमें आपने एक रबर बैंड को क्या इस तरह से अटैच कर लिया, राइट। जब आप फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई करोगे, नीचे की तरफ उसे खींचोगे, तो क्या होगा, जब रबर बैंड है स्ट्रेच हो जाएगा और उसकी शेप चेंज हो जाएगी, वो बड़ा हो जाएगा, राइट, स्ट्रेच हो जाएगा। तो ये तो हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में है फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम ए वेल, वी हैव टू डैश एट द रोप। अगर हमने पानी को खींचना है वेल में से, तो हम क्या करेंगे, उसे पुश करेंगे या पुल करेंगे? थिंक अबाउट दिस एग्जाम्पल, पुलिंग अ वाटर बकेट फ्रॉम द वेल टू गेट द वाटर बकेट अप, इसमें हमने क्या किया था, पुल। तो इसमें भी क्या करेंगे, हमने पानी निकालना है, वाटर निकालना है फ्रॉम द वेल, ठीक है, तो क्या करेंगे, पुल, अपनी तरफ इस तरह से खींचेंगे, राइट। इन द सेकेंड वन वी हैव ए चार्ज्ड बॉडी डैश एंड अनचार्ज्ड बॉडी टुवार्ड्स इट, ठीक है, जो एक चार्ज बॉडी है, एक बॉडी है चार्ज है, वो जैसे मैंने बलून की एग्जाम्पल दी थी, स्केल की एग्जाम्पल दी थी, वो चार्ज है, ठीक है, और जो पेपर है और हमारे बाल है वो क्या है, अनचार्ज। तो क्या करता है वो चार्ज बॉडी, हमारे बालों को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, जब वो अट्रैक्ट होगी तभी उसके साथ चिपकेंगे, राइट। तो यहां पर क्या आएगा, अट्रैक्ट। इन द थर्ड वन, टू मूव ए लोडेड ट्रॉली वी हैव टू डैश इट, किसी लोडेड ट्रॉली को मूव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। अब देखिए यहां पर इन्होंने कहा है मूव, यानी कि उसे एक जगह से दूसरी जगह पर हिलाना है, उसकी पोजीशन चेंज करनी है, उसे मोशन में लेके आना है। तो वो आप उसको खींच के भी कर सकते हो, उसको धक्का लगा के भी कर सकते हो। तो यहां पर आप लिखोगे पुश और पुल, किसी लोडेड ट्रॉली को मूव करने के लिए हम या तो उसे धक्का लगाएंगे या उसे अपनी तरफ खींचेंगे, इन शॉर्ट आप फोर्स अप्लाई करोगे, ठीक है। इन द लास्ट वन वी हैव द नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट डैश द नॉर्थ पोल ऑफ अनदर मैग्नेट। मैग्नेट की भी हमने की थी, एक हमारे पास इस तरह से बार मैग्नेट है, वी हैव नॉर्थ पोल, वी हैव साउथ पोल, सिमिलरली वी हैव अ बार मैग्नेट, वी हैव अ नॉर्थ पोल एंड वी हैव अ साउथ पोल हियर। रिमेंबर जो मैग्नेट्स हैं, मैग्नेट्स में एक प्रॉपर्टी होती है, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। जो लाइक पोल्स हैं, लाइक पोल्स क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, ठीक है, और अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट, उसका उल्टा, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। तो जो लाइक पोल्स है, अब लाइक पोल्स यानी कि दोनों साइड सेम होगी, अब इस साइड भी नॉर्थ है, इस साइड भी नॉर्थ है, सेम हो गए, तो क्या ये अट्रैक्ट करेंगे, नो। मैंने मैग्नेट वाली आपको एग्जांपल करवाई थी, उसमें ये इस तरह से एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो क्या करेगा, द नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट डैश द नॉर्थ पोल ऑफ अनदर मैग्नेट, क्या लिखेंगे यहां पर, रिपेल्स द नॉर्थ पोल ऑफ अनदर मैग्नेट। नाउ फॉर द फोर्थ क्वेश्चन, वी हैव एन आर्चर स्ट्रेचेस हर बो व्हाइल टेकिंग एम एट द टारगेट। आर्चर यानी कि धनुर्धर, यानी कि जो तीरंदाजी करते हैं, वो क्या करती है, अपनी बो को स्ट्रेच करती है, बो यानी कि उसका जो धनुष है, इस तरह से उसको ये स्ट्रेच करती है, अगर स्ट्रेच करेगी तो उसकी शेप में इस तरह से चेंज आएगा, राइट। व्हाइल टेकिंग एम एट द टारगेट, टारगेट पर एम करने के लिए इस तरह से, ठीक है। She then releases the arrow, जब वो एरो को यहां से रिलीज करती है तो क्या होता है, which begins to move towards the target, वो टारगेट की तरफ मूव करेगा, वैसे यहां पर आना चाहिए था, ठीक है, यहां पर टारगेट पे मान लीजिए लग गया, ठीक है। Based on this information, fill up the gaps in the following statements using the following terms, यानी कि टर्म जो स्टेटमेंट्स हैं, उन ये जो सारी स्टेटमेंट दी गई है, इनमें क्या है, ये फिलअप करने हैं जो आपको ये ऑप्शन दी गई है, ठीक है। फर्स्ट वन है टू स्ट्रेच द बो, बो को स्ट्रेच करने के लिए जो आर्चर है अप्लाई फोर्स अप्लाई करती है, विच कॉजेज अ चेंज इन इट्स वर्थ। देखिए उसने फोर्स अप्लाई की, ठीक है,
जब फोर्स अप्लाई की तो किस में चेंज आएगा? शेप में। उसकी शेप चेंज हुई ना, पहले वो इस तरह थी, फिर जब ऐसे जैसे उसने उसको स्ट्रेच किया तो उसकी शेप में चेंज आएगा। इन द सेकेंड वन वी हैव द फोर्स अप्लाइड बाय द आर्चर टू स्ट्रेच द बो इज एन एग्जांपल ऑफ डैश फोर्स। अब देखो बो को स्ट्रेच करना है, फिंगर से करेगी, अपनी आर्म को यूज करेगी, तो कौन सी फोर्स अप्लाई होगी, कौन सी चीज का यूज हो रहा है यहाँ पे? मसल्स का। तो कौन सी आएगी? मस्कुलर फोर्स, राइट। इन द सेम पार्ट वी हैव द टाइप ऑफ फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ए चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन एरो इज एन एग्जांपल ऑफ डैश फोर्स। देखिए कौन सी फोर्स है जिससे क्या है चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन आ गया, उसको रिलीज करने के लिए, एरो को रिलीज करने के लिए बो के बीच और हैंड के बीच कॉन्टेक्ट होना जरूरी था। एक कॉन्टेक्ट था जिसके कारण मस्कुलर फोर्स अप्लाई हुई और उसके कारण वो बो सॉरी जो एरो है वो रिलीज हुई और अपने टारगेट तक पहुंची, राइट। तो उसके लिए यहाँ पर कौन सी फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगी? कॉन्टेक्ट। टारगेट की तरफ मूव करता है द फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट। और देखो ये जो एरो है ना ये मूव कर रहा है, इसकी हम अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, वैसे आपको फ्री बॉडी डायग्राम आएगी नहीं बट मैं फिर भी आपको सिखा देती हूँ कैसे ड्रॉ करते हैं। तो देखिए इसकी जो डाउनवर्ड है फोर्स ऑफ ग्रेविटी अप्लाई हो रही है, राइट। और आसपास क्या है? एयर, राइट। जब वो ऐसे मूव करता है हम कहते हैं ना ऐसे मूव कर रहा है, एयर है, ठीक है। तो कौन कौन से फोर्सेस हैं जो एक्ट कर रहे हैं? सबसे पहले द एरो मूव्स टुवर्ड्स इट्स टारगेट, द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट आर ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के कारण इसके ऊपर फोर्स एक्ट हो रही है विच इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी, एंड ड्यू टू डैश ऑफ एयर ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ एयर। एयर फ्रिक्शन होता है जिसे हम एयर रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है, बट वी विल कीप ऑन सेइंग इट एज एयर फ्रिक्शन। हवा से क्या फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है वो भी एक्ट हो रहा है इसमें, ठीक है। ये तो हो गया आपका फोर्थ क्वेश्चन। इन द फिफ्थ क्वेश्चन वी हैव इन द फॉलोइंग सिचुएशंस आइडेंटिफाई द एजेंट एक्सर्टिंग द फोर्स एंड द ऑब्जेक्ट ऑन विच इट एक्ट्स, ठीक है। हमें अलग अलग किए गए चार सिचुएशन दे दी है, इनके ऊपर हमने बताना है, ठीक है। क्या बताना है कि कौन कौन सी फोर्स क्या है एग्जर्ट हो रही है और कैसे वो एक्ट कर रही है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास केस है स्टेट इफेक्ट ऑफ फोर्स, वो भी हमें बताना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास सिचुएशन है स्क्वीजिंग ए पीस ऑफ लेमन बिटवीन द फिंगर्स टू एक्सट्रैक्ट इट्स जूस। मान लीजिए लेमन है, वैसे तो है नहीं पर मान लीजिए इसको स्क्वीज करोगे इस तरह से दबाओगे फिंगर्स के साथ, राइट। तो आइडेंटिफाई द एजेंट एक्सर्टिंग द फोर्स, एजेंट कौन है, कौन फोर्स एक्सर्ट कर रहा है यहाँ पर? मेरी फिंगर्स, फिंगर्स फोर्स एक्सर्ट कर रही है, तो यहाँ पर इस वाले में एजेंट आ जाएगा फिंगर्स। एंड स्टेट इफेक्ट ऑफ फोर्स, इफेक्ट क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसकी शेप चेंज होगी लेमन की, राइट। उसको स्क्वीज करोगे लेमन की शेप चेंज होगी, उसमें से जूस निकलेगा, ये इफेक्ट होगा इस फोर्स के कारण, ये सब होगा। इन द बी पार्ट टेकिंग आउट पेस्ट फ्रॉम ए टूथपेस्ट ट्यूब, टूथपेस्ट ट्यूब है आपके पास इस तरह से, राइट। ऐसे होती है टूथपेस्ट ट्यूब, इसका ढक्कन उतार देंगे जब, तो इसको यहां पर से ऐसे के प्रेस करेंगे, जब प्रेस करेंगे तो क्या निकलेगी टूथपेस्ट, ऐसे निकलती है प्रेस करते हुए ऐसे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करोगे, कौन एक्ट कर रहा है अगेन यहाँ पर, कौन एक्ट कर रहा है, एजेंट कौन है, फिंगर्स, हमारी फिंगर्स एजेंट है जिसके कारण फोर्स एक्ट हो रही है। और क्या होगा इससे टूथपेस्ट जो है, इस टूथपेस्ट जो टूथपेस्ट ट्यूब है उसमें से बाहर आ जाएगी, ठीक है, ये इफेक्ट पड़ेगा। उसके बाद है कि लोड सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्प्रिंग व्हाइल इट्स अदर एंड इज ऑन ए हुक फिक्स्ड
पिक्चर ऑन द वॉल, इसको इमेजिन करने करना आपके लिए डिफिकल्ट है, मैं आपको ये ड्रॉ कर देती हूँ। ये वॉल है, यहाँ पर एक हुक है, ठीक है, इसके ऊपर क्या है, हमारे पास स्प्रिंग है इस तरह से। इस स्प्रिंग के साथ हमने क्या इस तरह से लोड कनेक्ट कर दिया, सम मास कनेक्ट कर दिया, जिसे हमने लोड का नाम दे दिया, ये है हमारे पास लोड, ठीक है, इसको इसके ऊपर लटकाया गया है। अब देखिए स्प्रिंग की ओरिजिनल पोजीशन ऐसी है, इसके ऊपर हमने फोर्स अप्लाई कर दिया, यहाँ पर कुछ लटका दिया, फोर्स अप्लाई कर दिया, डाउनवर्ड फोर्स एक्ट कर रही है, इसकी शेप चेंज होगी, अपोज होगी, जितनी ज्यादा भारी चीज होगी उतना ज्यादा क्या स्प्रिंग क्या स्ट्रेच होगा, स्पैन होगा, राइट। तो इसमें तो लोड सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्प्रिंग व्हाइल इट्स अदर एंड इज ऑन ए हुक फिक्स्ड ऑन द वॉल, यहाँ पर ये हुक फिक्स्ड है, तो एजेंट कौन है, किसके कारण फोर्स लग रही है, लोड के कारण, और इफेक्ट क्या पड़ेगा इसका, स्ट्रिंग क्या है एक्सपेंड हो जाएगा या स्ट्रेच हो जाएगा, ठीक है, इसका इफेक्ट पड़ेगा। इन द डी पार्ट एन एथलीट मेकिंग ए हाई जंप टू क्लियर द बार एट ए सर्टेन हाइट, अब क्या है एथलीट है जो कि हाई जंप कर रहा है, बार को क्लियर करने के लिए, इस तरह से उसके रस्ते में एक बार है उसको क्लियर करने के लिए, ठीक है, एट ए सर्टेन हाइट इस तरह से एथलीट आ रहा है, ठीक है, तो क्या करे वो, इसमें क्या इफेक्ट है या कौन सा एजेंट है जो एक्सर्ट करे फोर्स, एथलीट खुद एथलीट की बॉडी को, क्योंकि वो भाग रहा है, उसको कोई धक्का लगा के तो फेंक नहीं रहा, अपनी मर्जी से भाग रहा है, तो एजेंट कौन होगा, एथलीट्स बॉडी, एजेंट हियर इज एथलीट्स बॉडी, और क्या इफेक्ट होगा, उसके मसल्स में चेंज आएगा, वो जंप करेगा, एक हाइट अटेन करेगा, ठीक है, ये उसके ऊपर इफेक्ट आएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स देयर इज अ सिक्स्थ क्वेश्चन इन विच अ ब्लैकस्मिथ हैमर्स ए व्हाट पीस ऑफ आयरन व्हाइल मेकिंग ए टूल, कोई टूल बनाने के लिए एक ब्लैकस्मिथ जो है हॉट पीस ऑफ आयरन को हैमर कर रहा है, उसे ठोक रहा है, तो हाउ डज द फोर्स अफेक्ट ड्यू टू, हाउ डज द फोर्स ड्यू टू हैमरिंग अफेक्ट द पीस ऑफ आयरन, यानी कि जो फोर्स ड्यू टू हैमरिंग है ठोकने के कारण जो फोर्स लग रही है उससे आयरन के ऊपर या पीस ऑफ आयरन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। देखो बच्चों पीस ऑफ आयरन को अगर हम एज इट इज ठोकने की कोशिश करेंगे तो शायद उसकी शेप के ऊपर इफेक्ट ना पड़े, ठीक है, लेकिन अगर हम उसे मेल्ट कर दें, मेल्टिंग पॉइंट के करीब ले आ दें उसको गर्म करके हीट करके, तो उसकी क्या शेप जल्दी चेंज हो जाती है, इजिली चेंज हो जाती है, इसीलिए हम इसमें यूज करेंगे, इसमें क्या है गर्म पीस लेंगे आयरन का, उसे ठोकने की कोशिश करेंगे। सो जब ब्लैकस्मिथ यानी कि लोहार जब उसे ठोकने की कोशिश करते हैं, मान लीजिए मेरे हाथ में ये हैमर है और उसको ऐसे ठोक रही हूँ, ऐसे बार बार उसे ठोक रही हूँ, तो मेरी क्या लग रही है, मेरी बाजू हिल रही है, मेरा शोल्डर हिल रहा है, मूव कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो ये कौन सी फोर्स हुई, मस्कुलर फोर्स, राइट, तो कौन सी फोर्स अप्लाई होगी, मस्कुलर फोर्स, और इससे क्या होगा, जो पीस ऑफ आयरन उसकी शेप में चेंज आएगा, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेवंथ क्वेश्चन, इन द सेवंथ क्वेश्चन वी हैव An inflated balloon was pressed against a wall after it has been dropped with a piece of synthetic cloth. एक inflated यानी कि फूला हुआ balloon है जिसे क्या है wall के साथ ऐसे press कर दिया गया, कब, जबकि उसे synthetic कपड़े के साथ के बार बार रब किया गया था, रगड़ा गया था, रब किया गया था, जैसे हमने पिछली वीडियो में एग्जाम्पल किया ना बलून को सिर के ऊपर ऐसे रगड़ेंगे रब करेंगे तो जो बाल उसके साथ चिपकने शुरू हो जाएंगे, वही चीज इन्होंने अभी की बलून को सिंथेटिक जो क्लोथ है ना उसके साथ रब किया, और जब उसके साथ रब कर दिया तो वो जो बलून है वो चार्ज हो गया, उसे दीवार के साथ लगा दिया तो वो दीवार के साथ चिपक गया, ठीक है, वो क्या हो गया, इट्स द बलून स्टिक्स टू द वॉल, देन व्हाट फोर्स माइट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द अट्रैक्शन बिटवीन द बलून एंड द वॉल, तो कौन सी ऐसी फोर्स है जिसके कारण जो बलून है वॉल के साथ चिपक गया, अट्रैक्ट हो गया, क्या है जो फोर्स अट्रैक्ट करी इन दोनों को, यू नो इट्स आंसर, वी हैव व्हेन वी रब द बलून, जैसे ही हम क्या है बलून को सिंथेटिक क्लोथ के साथ रब करेंगे,
जो चार्ज सिंथेटिक क्लोथ में बलून के अंदर आ गया, अब बलून क्या हो गया? चार्ज्ड। लेकिन जो वॉल है वो क्या है? अनचार्ज्ड। चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी को अट्रैक्ट करती है, राइट? ये हमने फिल इन द ब्लैंक्स में भी किया था। जो चार्ज बॉडी होती है, व्हेन दिस चार्ज बॉडी इज प्रेस्ड अगेंस्ट द वॉल व्हिच इज अनचार्ज्ड, ये अनचार्ज्ड है, तो क्या होगा? इट स्टिक्स टू द वॉल, ये वॉल के साथ स्टिक कर जाएगा बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण ये दीवार के साथ चिपक जाएगा। Now we have eight question. Name the forces acting on a plastic bucket containing water held above the ground level in your hand. आपने प्लास्टिक के बकेट को जिसमें पानी भरा हुआ है हाथ में ऐसे पकड़ा हुआ है, ठीक है? वैसे ऐसे आपको वीडियो में शो नहीं होगा, तो मैंने थोड़ा ऊपर करके दिखा दिया। आपने हाथ में क्या बकेट को उठाया हुआ है, ठीक है? तो डिस्कस why the forces acting on the bucket do not bring any change इन द स्टेट ऑफ मोशन। देखिए, आपने ये बकेट को ऐसे पकड़ा हुआ है, ठीक है? ये रही आपकी बकेट, ये ग्राउंड है, ठीक है? ग्राउंड से ऊपर है और ये इस तरह से आपने क्या इसको पकड़ा हुआ है, ठीक है? तो यहां पर आपकी क्या मसल्स लग रही है, यहां पर आपके बाजू है, ठीक है? तो कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही है? सबसे पहले तो बाजू है, तो ऊपर की हो तो मस्कुलर फोर्स लग रही है, राइट? बाजू से पकड़ा है तो बाजू से पकड़ा है, मसल्स है, यहां पर मस्कुलर फोर्स लग रही है, कॉन्टैक्ट फोर्स है। और नीचे क्या है? ग्रेविटी। ग्रेविटी के कारण ही मैं यहां पर खड़ी हूं, आप अपनी जगह पर बैठे हैं, वरना हम बाउंस कर रहे होते, राइट? तो ग्रेविटी है, तो ग्रेविटी डाउनवर्ड एक्ट करती है, ये डाउनवर्ड जा रही है इस तरह से, ठीक है? जिसे आप ग्रेविटेशन फोर्स भी कह सकते हैं। ग्रेविटेशन फोर्स जो है डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, तो क्या हो रहा है? एक दो ही फोर्सेस लग रही है इसके ऊपर, एक मस्कुलर जो कॉन्टेक्ट है, एक ग्रेविटेशन फोर्स जो कि नॉन कॉन्टेक्ट है। दोनों क्या है? एक दूसरे के ऑपोजिट लग रही है इस तरह से। हमने पढ़ा था ना, जब फोर्सेस ऑपोजिट एक्ट कर रही हो तो क्या होगा? डिफरेंस, दोनों क्या हो जाएंगी? कैंसल। इक्वल भी है और ऑपोजिट भी है तो क्या होगी? कैंसल हो जाएंगी और जो नेट फोर्स आएगी, नेट फोर्स विल बी जीरो न्यूटन्स, ओके? नेट फोर्स जो आएगी वो जीरो आ जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 9। इन द क्वेश्चन नंबर 9 दे हैव आस्क्ड, ए रॉकेट हैज बीन फायर्ड अपवर्ड्स टू लॉन्च ए सैटेलाइट इन इट्स ऑर्बिट। नेम द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द रॉकेट इमीडिएटली आफ्टर लीविंग द लॉन्चिंग पैड। यानी कि इन्होंने पूछा है कि रॉकेट है उसको फायर किया है बाय ए लॉन्चिंग सैटेलाइट, ठीक है? इस तरह से क्या है? कोई लॉन्चिंग सैटेलाइट है, ठीक है? तो लॉन्च ए सैटेलाइट इन इट्स ऑर्बिट, तो सो ये जो लॉन्चिंग पैड है, सो ये इज इट लॉन्चिंग सैटेलाइट, इट इज लॉन्चिंग पैड हियर, और यहां पर हमारे पास एक रॉकेट है इस तरह से, इसके अंदर एक सैटेलाइट है जिसको हमने क्या लॉन्च करना है, ठीक है? इस तरह से ये ऊपर को जाएगा, जब ये क्या है लॉन्चिंग पैड्स क्या है हट जाएंगे इस तरह से, ठीक है? तो हमने बताना है नेम द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द रॉकेट इमीडिएटली आफ्टर लीविंग द लॉन्चिंग पैड। अब जैसे ही वो जो लॉन्चिंग पैड है, रॉकेट क्या है लॉन्चिंग पैड को छोड़कर ऊपर की ओर उड़ता है इस तरह से, इस तरह से ऊपर की ओर उठता है, तो कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट हो रही हैं? सबसे पहले ऊपर जा रहा है ग्रेविटी के ऑपोजिट, आप जंप करते हो वापस नीचे आ जाते हो बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी के ऑपोजिट जा रहा है तो ग्रेविटी उसको वापस खींचने की कोशिश करेगी, तो सबसे पहले कौन सी फोर्स एक्ट हो रही है ऊपर? ग्रेविटेशनल फोर्स और फोर्स ऑफ ग्रेविटी, व्हाट एवर यू वांट टू आस्क, यू मे राइट ग्रेविटेशनल फोर्स अकॉर्डिंग टू योर क्लास, ओके? द सेकेंड फोर्स आई थिंक इज एयर रेजिस्टेंस। ऊपर हवा भी तो है, सब जगह हवा है, यहाँ जहां पर मैं खड़ी हूं वहां पर भी हवा है, एयर है जिसमें मैं सांस ले रही हूं। आप भी चाहे आपके रूम में पंखा नहीं चल रहा, कुछ नहीं चल रहा, फिर भी हवा है क्योंकि आप सांस ले रहे हो, ठीक है? एयर है, तो जो एयर है उसके कारण जो फ्रिक्शन फोर्स पैदा होती है, एयर जो है फ्रिक्शन क्रिएट करती है कोई भी चीज के, जब ऊपर जा रही हो या नीचे आ रही हो,
जिसके कारण उसके स्पीड के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो अब यहां पर अपवर्ड में जा रही है हमारे पास एयर फ्रिक्शन, फ्रिक्शन ऑफ द एयर या एयर रेजिस्टेंस, फ्रिक्शन ऑफ एयर या जिसे हम एयर रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं, आप फ्रिक्शन ऑफ एयर भी लिख लीजिएगा। ठीक है, मेरा फ्रिक्शन फोर्स ड्यू टू एयर, मैंने आपको बताया था फ्रिक्शन भी क्या है, एक तरह से फोर्स होती है जिसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स है जो एयर के द्वारा लग रही है। तो ये दो फोर्सेस है जो एक्ट कर रही है किसके ऊपर, रॉकेट के ऊपर, जब वो लॉन्चिंग पैड को लीव कर देता है, छोड़ देता है। तो ये था, इतना इजी था क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन इतने इजी थे, हमने बहुत आसानी से कर लिए। अब हम आगे लास्ट क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं व्हेन वी प्रेस द बल्ब ऑफ ए ड्रॉपर विद इट्स नोजल कैप्टन वाटर, एयर इन द ड्रॉपर इज सीन टू एस्केप इन द फॉर्म ऑफ बबल्स। ठीक है, ये आपके पास एक बाउल है जिसमें पानी भरा पड़ा है। ठीक है, उसमें आपने इस तरह से ड्रॉपर रख लिया, इस तरह से इसमें एक छेद है हल्का सा जिससे कि पानी अंदर जाएगा, और ये ड्रॉपर की ये लीजिए, ये आ गया बल्ब, आ गया ड्रॉपर का, यहां पर ये बल्ब है, ये क्या है ड्रॉपर, ये ड्रॉपर की यहां पर क्या आ गई नोजल, ये हमने क्या रखा है वाटर। अब देखिए जैसे हम वाटर को इसके अंदर, इसको वाटर के अंदर रखेंगे, इस ड्रॉपर के अंदर भी कुछ हद तक वाटर आ जाएगा, हल्का सा इतना सा वाटर आ जाता है। आपको पता है मेडिसिन जो होती है ऐसे ड्रॉपर वाली, उसमें भी ऐसे ही होता है। ठीक है, तो ये कहते हैं जैसे ही हम इसको प्रेस करते हैं तो क्या होता है, इसको पानी में रखा हुआ था, हमने प्रेस कर दिया, नोजल पानी में थी, जो हवा थी ड्रॉपर में से बाहर निकल गई, बाहर निकल के आ गई, जैसे प्रेस किया इस तरह से फोर्स लगी और हवा जो है इसके अंदर जो हवा थी ऐसे बाहर आती आती बबल्स के रूप में ऐसे बाहर आ गई। ठीक है, वंस वी रिलीज द प्रेशर ऑन द बल्ब, अब हमने छोड़ दिया, जैसे हम इसे छोड़ रहे हैं जो पानी है, पानी जो है इसके अंदर नोजल के थ्रू ड्रॉपर के अंदर बढ़ता जा रहा है और जो वाटर लेवल है इसके अंदर बढ़ जाता है। ठीक है, राइज ऑफ वाटर इन द ड्रॉपर किसके कारण है, सबसे पहला पॉइंट है प्रेशर ऑफ वाटर, अकेला प्रेशर ऑफ वाटर तो हो नहीं सकता क्योंकि इसके अंदर एयर भी थी, वो भी तो बाहर निकली है, राइट। सेकेंड है ग्रेविटी ऑफ अर्थ, नो। थर्ड शेप ऑफ रबर, शेप ऑफ रबर बल्ब, नो नॉट एट ऑल, कोई भी शेप हो वैसे ही आएगा। फिर लास्ट है एटमोस्फेरिक प्रेशर, यस। कैसे, इसके जैसे ही हमने इसको प्रेस किया इसके अंदर से हवा निकल गई। ठीक है, अब इसके अंदर कम प्रेशर है, लो प्रेशर है, बाहर पानी का प्रेशर ज्यादा है, तो जैसे हम इसको छोड़ेंगे जो हाई प्रेशर वाला वाटर है इसके अंदर आना शुरू कर देगा, हाई एटमोस्फेरिक प्रेशर वाला वाटर इसके अंदर आना शुरू कर देगा, और जो राइज वाटर लेवल है वो राइज कर जाएगा इन द ड्रॉपर। सो इट इज बिकॉज ऑफ एटमोस्फेरिक प्रेशर।